हेलो दोस्तों, हमारी डोडरा कवार सीरीज़ के 5th पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ के पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3rd पार्ट के एंड में हम थे कवार गांव में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली सुबह मैं यहाँ एक छोटे से ट्रैक पर जा रहा हूँ, तो वो ट्रैक हम आपको इस पार्ट में दिखाने जा रहे हैं। कल मुझे यहाँ एक भैया मिले थे जो कि यहाँ आसपास के बारे में मुझे बता रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी आप यहाँ थोड़ा आसपास घुमा देना। तो वो मुझे आज जिसकुन गांव, जो कि यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है, वहाँ लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को मैं जल्दी सो गया था, इसीलिए सुबह भी मेरी आंख जल्दी खुल गई। मेरे साथ जो भैया जाएंगे, उन्होंने 9 बजे चलने को बोला था, लेकिन मैं तो 7 बजे ही उठ गया, तो उतनी देर मैं गांव की सैर के लिए गया। मैं तो यहाँ सैर के लिए निकला हूँ, बट बाकी सब लोग अपने अपने काम पर जुटे हुए हैं। कोई सेब के कामों में, तो कोई पशुओं को चारा लाने में, कोई लकड़ी ले जाने में। मुझे लग रहा है कि पूरे गांव में एक मैं ही हूं जो ऐसे घूम रहा हूं, बाकी सब अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। बाकी शॉप्स की बात करें तो यहां कवार और धंधरवाड़ी में टोटल 5-6 शॉप्स हैं जहां आपको ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा। डोडरा में भी ऐसी 1-2 शॉप्स हैं। बाकी यहाँ का नज़दीकी बड़ी मार्केट चिड़गांव या फिर रोहडू ही है, और यहाँ शराब का ठेका भी है। यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है और सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा। नदी के उस पार पहाड़ पर धूप निकल आई है, लेकिन इस तरफ अभी धूप नहीं निकली है। अगर इस तरफ भी धूप आ जाए तो मैं थोड़ी देर धूप भी सेक लूँगा। इसके बाद मैं वापस अपने होम स्टे पर आ गया और देखा कि भैया जिनके साथ मैं आगे जाने वाला हूँ वो भी यहाँ पर आ गए हैं। मैं फिर जल्दी जल्दी नहाया और ब्रेकफास्ट में एक मैगी खाई। इसके बाद हम चल पड़े जिसकुन गांव के ट्रैक पर। जिसकुन के लिए नीचे रिवर साइड गोसांगो गांव से एक सड़क भी जाती है, लेकिन ये वाला रास्ता शॉर्टकट है, मतलब गाड़ी से बाय रोड जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और पैदल हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो करीब 10 बजे हमने कवार से अपना ट्रैक स्टार्ट किया। यहाँ ये सामने कवार जाख टेम्पल है। मैं अभी इस मंदिर में गया नहीं हूँ, कल मैं दूसरी तरफ ऊपर धंधरवाड़ी की तरफ जाकर आया था और आज जिसकुन जा रहा हूँ। ये कवार जाख देवता का मेन मंदिर है और जिसकुन से वापस आने के बाद मैं शाम को इस मंदिर में जाकर आऊँगा। और यहाँ ये कवार गांव ख़त्म हो जाता है, इसके आगे शायद 2-4 घर होंगे, बट मेन गांव ख़त्म है। यहाँ ये देवदार का घना सा जंगल शुरू हो जाता है। मेरे साथ जो भैया जा रहे हैं उनका नाम शिवराज है और ये कवार गांव के ही रहने वाले हैं। ये यहाँ अकेले रहते हैं, इनके माता और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और भाई बहन भी कोई नहीं है। अपनी, अपने परिवार की और डोडरा कवार की कहानियाँ सुनाते हुए शिवराज भाई मुझे जिसकुन की ओर लेकर जा रहे हैं। भैया को मैंने जब पूछा कि आप इस सब के लिए कितने चार्ज करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप जो आपकी इच्छा होगी वो दे देना, तो मैंने उन्हें 500 रुपये दे दिए। अब यहाँ से रूपिन नदी दिखाई देने लगी है और सामने ये झरना भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि सामने इस पहाड़ पर कुछ घर भी हैं। पहाड़ की ऊंचाई से शुरू होता ये झरना बहुत ही खूबसूरत है। इस हरी भरी सी पहाड़ी से ये दूध जैसा पानी अलग ही सुकून दे रहा है, मतलब आप यहाँ बैठे इसे देखते रहो पर मन ही नहीं भरेगा।
मेरे गाइड शिवराज भाई ने बताया कि यहाँ इस जंगल में लेपर्ड और बेयर यानी भालू भी होते हैं। उन्होंने भालू के दिखने या कई बार लोगों पर हमले के कई किस्से सुनाए। इन्होंने बताया कि भालू आजकल यहाँ सेब के बगीचों को भी नुकसान पहुँचा देते हैं। यहाँ इस रास्ते में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। काफ़ी जगह आपको ऐसे छोटे छोटे फ्रेश वाटर के सोर्सेज मिल जाएंगे। कवार से करीब आधा घंटा चलने के बाद हम रुपिन नदी के किनारे पहुंच गए हैं। नदी के पानी का शोर तो काफ़ी दूर तक सुनाई दे रहा था, लेकिन अब हम फाइनली इसके किनारे पहुंच गए। रुपिन नदी रुपिन पास से निकलती है और आगे उत्तराखंड में सुपिन नदी बहती है। रुपिन और सुपिन नदियों के मिलने से टौंस नदी बनती है। रोहडू में बहने वाली पब्बर नदी भी टौंस में ही मिलती है और फिर आगे टौंस नदी यमुना में मिल जाती है। यानी कि ये सब नदियाँ यमुना की उप सहायक नदियाँ हैं। यहाँ नदी का पानी एकदम साफ और नीला जैसा है और इस पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है। ऊपर से देखने पर तो ये थोड़ा सा ही पानी लग रहा था, बट यहाँ आकर देखा तो पता चला कि ये तो बहाकर भी ले जा सकता है। थोड़ी देर हम नदी के किनारे बैठे और फिर आगे हमें इस पुल को पार करके जिसकुन गांव की तरफ जाना है। ये पुल पूरा लकड़ी का बनाया है और ये हिचकोले भी खा रहा है। पुल पार करते ही ये एक गुफा जैसी है। बड़ी सी चट्टान के नीचे ये काफ़ी खुली डुली जगह है। देखकर ही लग रहा है कि यहाँ बारिश के समय में लोग या फिर उनकी भेड़ बकरियाँ रुक जाती होंगी। कवार से यहाँ इस नदी तक हम लगातार हल्की उतराई उतरते आए हैं, लेकिन अब नदी पर ये पुल पार करके आगे हमें चढ़ाई चढ़नी है। और हम ये तीखी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद इस सड़क पर पहुँच गए हैं, लेकिन इस सड़क पर यहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है जिसकी वजह से अभी ये बंद है। और ये वाला पॉइंट तो काफ़ी ख़राब है। बिल्कुल थोड़ा सा ही पैदल चलने लायक रास्ता बचा है और ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर है। नीचे तो फिर है ही नदी। हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल गए। आगे से ये भेड़ बकरियाँ आ रही हैं। पहले मुझे दूर से देखने पर लगा कि ये थोड़ी सी भेड़ें होंगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो पूरा बड़ा सा झुंड है। ये गद्दी लोग शिवराज भाई के जानने वाले थे और इन्होंने बताया कि ये किन्नौर ज़िला के सांगला से रुपिन पास के रास्ते से होकर यहाँ आए हैं। और अब जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो ये लोग अपने भेड़ बकरियाँ लेकर निचले इलाकों में जा रहे हैं। इनके साथ ये मोटे मोटे कुत्ते भी हैं। साथ में ये नए पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने बैग में रख कर ले जा रहे हैं। और ये एक पानी का नेचुरल नलका है, हालांकि इसकी टैप ये एक लकड़ी से बनाई है जिसका मुंह एक शेर जैसा है। आगे यहाँ अब कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और ये कुत्ता हमारे पास आ रहा है। वैसे यहाँ के कुत्ते मैंने देखा फालतू में किसी पर भौंकते नहीं हैं और ना ही ऐसे किसी को परेशान करते हैं। खैर, इसकी कुत्ते की टांग पर ये चोट लगी हुई है, पर ये फिर भी हमारे साथ चलने को तैयार है। और यहाँ ये नए घर का निर्माण कार्य चला हुआ है।
इसके बाद हम इस संकृषि सड़क से होते हुए आगे जिसकुन गांव पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ इस रास्ते पर ये पत्थर लगाए हैं, हालांकि यहाँ पैदल चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। थोड़ा ही आगे जाने पर ये जिसकुन गांव दिखाई देने लगा है। इस गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और ये एक अलग ग्राम पंचायत है। रुपिन पास ट्रैक के लिए रास्ता भी इसी गांव से होकर जाता है। डोडरा और कवार की तरह इस गांव में भी सभी घर लकड़ी के ही बने हुए हैं और यहां भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिख रहे हैं। भैया ने कहा कि जिसकुन गांव से आगे एक छोटा सा ब्रिज है, वहां तक जा सकते हैं हम। तो मैंने कहा चलो, रास्ता भी सीधा सीधा ही है, मतलब कोई चढ़ाई या फिर उतराई नहीं थी, तो चलने में कोई परेशानी नहीं है। यहां भी सेब के कुछ बगीचे हैं, मगर इन लोगों को रोड बंद होने की वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। दरअसल इन सब लोगों को पूरे साल भर का काम इन्हीं 6 महीनों में करना पड़ता है, वो चाहे खुद के लिए राशन, लकड़ी, कपड़े वगैरह या फिर और जो भी यहाँ पर नकदी फसलें होती हैं, वो इसी टाइम यहाँ से बाहर भेजकर पैसा भी कमाना होता है। इसीलिए यहाँ के लोग इस वक्त काम में ही जुटे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सर्दियों में फिर बर्फबारी के बीच यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाता। तो ये रुपिन नदी है, रुपिन घाटी से आ रही है। शिवराज भाई ने बताया कि कई बार तो हमें फसलों के काम रात को भी करने पड़ते हैं, क्योंकि दिन भर दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर सेब, मटर, मक्की और चौलाई की फसलें होती हैं। इसके अलावा लोग थोड़ी बहुत सब्जियां भी उगाते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर हम इस पुल तक पहुँच गए। वहाँ एक और पुल है, वो पुल कौन सा है? ये ऊपर। यहाँ सामने ये घोड़ों पर सामान लादकर ले जाया जा रहा है। शिवराज भाई कहते कि ये किसी ट्रैकिंग ग्रुप का सामान ही होगा। ये रास्ता आगे जाखा और धारा गांव की तरफ जाता है। जाखा से फिर एक ट्रैक रुपिन पास के लिए भी जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड फैंटेसी गेमिंग ऐप प्ले स्पोर्ट के बारे में, जहां पर ब्रांड न्यू गेम रमी है। आप 1 पैसा से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़ रुपए। और अगर आप चाहते हो इस वर्ल्ड कप फैंटेसी लीग खेलना, तो अभी खेलना स्टार्ट करो। यहां पर लूडो जैसे और बहुत सारे गेम्स आपको मिल जाएंगे। तो आ जाओ इंडिया के नए मैदान में। प्ले स्पोर्ट है 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया है, तो आपके पैसे भी सेफ हैं। 7 मिलियन प्लस यूजर्स यहां पर रोज खेलते हैं। यहां पर इजी विदड्रॉल विद नो केवाईसी, तो जीता हुआ अमाउंट सीधा आपके बैंक अकाउंट में। यहां पर शीप फाइट, हाउसी क्विज, चेस, कैरम जैसे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। तो डाउनलोड करो प्ले स्पोर्ट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रुपिन पास की ऊंचाई 4650 मीटर्स है और इसे पार करके किन्नौर जिला के सांगला तक जाया जा सकता है। ट्रैकर्स अक्सर यहां जिसकुन या फिर आगे जाखा से सुबह जल्दी निकलते हैं और रुपिन पास से पहले कैंप साइट तक शाम तक पहुंच जाते हैं। अगले दिन वो रुपिन पास से होते हुए सांगला तक जा सकते हैं। ये ट्रैक आगे जाकर काफ़ी मुश्किल भी है। शिवराज भाई ने बताया कि वो भी इस रास्ते से होकर सांगला तक गए हैं और रुपिन पास ट्रैक जहाँ मुश्किल है, वहीं बहुत सुंदर व्यूज़ भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। इस ट्रैक पर उत्तराखंड से भी काफ़ी लोग आते हैं और ऋषिकेश से इस ट्रैक की ग्रुप बुकिंग्स भी होती हैं। और ये वो पुल आ गया है और इसके बाद अब जाखा तक सीधी चढ़ाई है, तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। हम अपने साथ कुछ सेब वगैरह लेकर आए थे, तो वो हमने यहाँ पर बैठकर खाए। यहाँ ये घाटी के बीचों बीच बने लकड़ी के पुल, बिल्कुल शांत माहौल, कल कल बहते पानी की आवाज़ आपकी सारी थकान उतार देगी।
अच्छा अभी बंद है ये घराट? हाँ बंद है। अच्छा तो ये रास्ता जाखा गांव के लिए जाता है जो कि आगे रुपिन पास के लिए भी फास्ट ट्रैक के लिए जाता है। तो ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ है, इसके नीचे को नदी है। और ये जाखा की तरफ जाने वाला रास्ता देखिए, एकदम चट्टान को काटकर बनाया गया है और इस तरफ गहरी खाई है। धन्य है ये लोग जो ऐसी जगह पर रहते हैं। अब हम यहीं से वापस चल दिए। आज मौसम ठीक था, हल्की हल्की धूप थी और थोड़े बादल भी छाए रहे। अगर बारिश होने लगती तो शायद मुश्किल हो जाता। रुकना कि चल पड़े? रुकना है? चलो हाँ। इस गांव में ये एक होमस्टे भी है। यहाँ अक्सर रुपिन पास जाने वाले ट्रैकर्स ही आकर रुकते हैं। यहाँ आंटी जी ने भी मुझसे कहा कि रुकना है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बट मुझे तो कल कवार से वापस निकलना है। हम वापस जिसकून आ गए हैं और ये एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे को कह रहा है कि ये कैमरा मुझे दे दो। मैंने उसे मना किया और फिर वो हमारे पीछे ही चल पड़ा। क्या क्या मांग रहा है ये? इसको ये मांग रहा है। हाँ इसको मांग रहा है। ये हाँ। इधर दिखाओ शक्ल। क्या नाम है आपका? नाम बोलो। नाम बोलो। क्या नाम है आपका? हाँ ये मुंह में वो डाला हुआ है। निकाल दे तो आप बोलो। बोलना। नाम बोलो। नहीं नहीं ये नहीं निकालेगा। नाम छोड़ो आप। चले चलना हमारे साथ। क्यों? नाम जगरो। नाम बोलो। जगरोंजा। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है फिर बाय बाय। क्या लेना है? ये कैमरा लेना है। नहीं यार कैमरा तो नहीं दे सकता मैं। लो। ओह ऐसे नहीं पकड़ते जोर से। आराम से पकड़ना, ऐसे आराम से, ऐसे धीरे से। हाँ ऐसे। और क्या? बस बस छोड़ दो छोड़ दो। बड़े तेजी। हमने दूर जाना है? दूर जाना है, जाओ जाओ। चलो ठीक है फिर जाओ, घर जाओ वापस। अरे नहीं हमारे साथ नहीं जा सकते। अरे पकड़ो इसको कोई। चलो ठीक है बाय। वो डॉगी आ गया, पीछे डॉगी आ गया तेरा। मैंने उसे काफी रोकने की कोशिश की पर वो मान ही नहीं रहा था। फिर उसके घर से कोई आया और उसको वापस लेकर गया।
घरों की छतों पर ये भेड़ बकरियों के बाल काटकर सुखाए जा रहे हैं, अब इनसे ऊन बनेगी। मूड़ी खाने की चीज होती है? अच्छा, और ये यहीं पे होती है? और तो मैंने कहीं देखा नहीं ऐसा कुछ। जो पकेगी जो दाने आएगा इस पे, अच्छा लाल लाल दाने, अच्छा कटे कटने पड़ेंगे, फिर सुखा के फिर मूड़ी गूंदो, उनकी नरम मूड़ी टेस्टी। और ये एक ट्रैकर्स का ग्रुप है जो रुपिन पास ट्रैक पर जा रहा है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में करीब 4-5 दिन तो लग ही जाते हैं। जिसकुन पहुंचकर हमने इस शॉप पर बैठकर चाय और बिस्किट्स खाए, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। सामने ये कवार गांव दिखाई दे रहा है। कवार से जिसकुन का ट्रैकिंग रूट करीब 4-5 किलोमीटर लंबा है और लोकल लोग तो इसे भागते हुए आधे घंटे में तय कर लेते हैं, पर हम आराम से जा रहे हैं तो करीब 1.5 घंटा लग गया। इसके बाद हम वापस चल पड़े। हाँ, और उसी रास्ते से होते हुए इस पुल पर आकर पहुँचे। यहाँ से आगे नदी के किनारे किनारे एक दूसरा रास्ता भी जाता है जो कि आगे पंडार गांव तक है। इस नदी घाटी में पंडार शिमला ज़िला का आखिरी गांव है, और अगर हम रुपिन नदी की बात करें तो उसमें जाखा लास्ट गांव है। हम यहाँ थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे और फिर वापस अपना रास्ता पकड़ा। यहाँ नीचे ये लोग लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर्स को उस पार ले जा रहे हैं। इस तरफ खड़े लोग लकड़ी के स्लीपर को एक रस्सी से बांध देते हैं और उस तरफ खड़े लोग उसे खींच लेते हैं। यहाँ के हर काम जोखिम भरे ही होते हैं। यहाँ लोग स्टीप पहाड़ों पर घासनियों में से घास काटने जाते हैं। वहाँ मानो अगर वो थोड़े भी डगमगाए तो कई सौ मीटर नीचे गिर सकते हैं। जंगली जानवरों का भी डर रहता है, तो हर तरफ जोखिम ही जोखिम है। ये नदी के पार जो सड़क है, ये जिसकुन गांव के लिए बनी है। अगर कवार से जिसकुन जाना हो तो ये पैदल रास्ता ही सही और शॉर्ट है। सड़क से जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम उसी रास्ते से होते हुए वापस कवार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बीच में काफ़ी घना सा जंगल भी आता है। शिवराज भाई ने जो भालू वाली बातें बताई तो वो सब सोचकर मुझे तो डर भी लग रहा है। आप कभी इस तरफ आओ तो अकेले ऐसी जगहों पर मत जाएं। करीब 3 बजे हम वापस कवार पहुँच गए। अब हम वापस कवार पहुंच गए हैं और इस मैदान में ये घोड़े घास चर रहे हैं और लोग भी धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ये एक शर्मा ढाबा भी है, जहाँ मेन्यू में चाय, परांठा, मैगी, चाउमीन वगैरह तो है, पर ये ढाबा अभी बंद है। और इस तरफ है राजकीय माध्यमिक पाठशाला कवार। अभी कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल फिलहाल बंद हैं। यहाँ पर गांव की औरतें आकर कपड़े धोती हैं। ये नेचुरल वाटर का सोर्स है और पाइप के थ्रू यहाँ तक पानी लाया गया है। हालांकि ये पानी ठंडा भी बहुत है। और इधर सेबों की पैकिंग हो रही है। इसके ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मेरा रूम है। यहाँ लोगों ने काफ़ी सारी मुर्गियाँ पाल रखी हैं और इस मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
मुर्गी अपने बच्चों की बराबर सुरक्षा कर रही है, ठंड से भी और मुझसे भी। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हूँ ये उन्हीं का घर है, और अभी इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सब लोग अपने खेतों या बगीचों में काम करने गए हैं। अपने रूम पर आकर मैंने सबसे पहले नहाया और फिर कुछ देर आराम किया, और उसके बाद शाम को मैं कवार जाख देवता के मंदिर गया जो यहाँ पास में ही है। मंदिर के सामने ये एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। शाम के वक्त यहाँ बस बच्चों की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं और किसी तरह का कोई शोर नहीं है। ये जो गोल सा एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है ये नट्टी ग्राउंड है। यहाँ जब मेला होता है तब इस थड़े पर देवता विराजमान होते हैं और इसके इर्द गिर्द लोग पारंपरिक नृत्य यानी नाटी प्रस्तुत करते हैं। बैठने के लिए यहाँ ऊपर जगह बनाई गई है, और ये है कवार जाख देवता का मंदिर। यहाँ पर ये तीन मंदिर हैं, और ये जो सबसे बड़े वाला मंदिर है ये कवार जाख देवता का है। इन मंदिरों की दीवारों पर भी बाकी मंदिरों की तरह बहुत बारीक चित्रकारी की गई है, और यहाँ भी कुछ ट्रॉफीज देवता को भेंट की गई हैं। और ये बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और अब मेरे को बोल रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ। वीडियो तो मैंने बना भी ली, लेकिन ये है कि थकते ही नहीं। पहले वीडियो बनाओ, फिर इनको दिखाओ, फिर बनाओ, फिर दिखाओ, इसी में मेरा आधा घंटा लगवा दिया है इन्होंने। खैर, काफ़ी प्यारे बच्चे हैं ये, और ये दादी माँ इनको कुछ समझा रही हैं। अरे अरे अरे, लड़ाई कर रहे हो, नाचो नाचो। ब्राड़ासर लेक जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है, वहां जाने के लिए यहां कवार और पंडार गांव से रास्ते जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के संकरी गांव से होकर भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। इस झील की धार्मिक मान्यता भी बहुत है, इसीलिए यहां डोडरा कवार और उत्तराखंड के कई लोग हर साल वहाँ यात्रा पर जाते हैं। अब सूरज ढल चुका है और इसके बाद मैं वापस अपने रूम पर आ गया। रूम पर जाकर करने को कुछ नहीं था, एज यू नो यहाँ पर ना टीवी है और ना ही इंटरनेट। कल मैंने वापस चले जाना है तो मैंने अपना सामान अभी से पैक कर लिया है। यहाँ दिन भर लाइट नहीं थी तो मुझे अभी अपने सारे गैजेट्स भी चार्ज करने हैं, फ़ोन, गिम्बल, गोप्रो, डीजीआई पॉकेट एंड पावर बैंक। इस सब में मेरा काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि चार्जिंग स्लॉट एक ही है। यहाँ मेरे रूम के बाहर ये कारपेंटर काम कर रहे हैं जो कि इन खिड़कियों में शीशे लगा रहे हैं, और साथ में ये अंकल जी हैं, ये गेस्ट हाउस इन्हीं अंकल का है। मैं यहाँ इनके पास बैठकर इनके यहाँ के जीवन के बारे में जानता रहा। अंकल जी ने काफ़ी बढ़िया से अपने यहाँ के खेती बाड़ी, रहन सहन और इस सब के बारे में बताया। जब अपने 6 महीने के राशन को स्टॉक करने की बात आई तो अंकल जी ने कहा कि मैं आपको कल दिखाऊंगा कि हम अपना राशन कैसे स्टॉक करते हैं। तो मैंने कहा अंकल जी कल सुबह तो मैं चला जाऊंगा, तो अंकल जी कहते कि चलो कोई बात नहीं, अभी चलो, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो अंकल जी मुझे अपने घर पर ले गए। अच्छा, इसमें क्या रखते हैं? इसमें अपना राशन पानी। राशन पानी, तो ऐसा छोटा सा दरवाजा है ये ना जी। अच्छा जी, ये इनमें
अंदर जो है किसी में भांडा बर्तन रखा हो, किसी में राशन से। इसमें तो ना चाहिए देते भांडा बर्तन। अच्छा नीचे भी है बनाया हुआ। हाँ जी हाँ जी, इसमें अंदर डाल के रखते राशन पानी वगैरह ऐसी चीजें। अच्छा जी, आजकल ये कुछ सोसाइटी से उससे लाया, ये थोड़ा कढ़ाई कढ़ा है। अच्छा इधर एक और है, इसमें छह होते हैं। छह? तीन में जो है उसको रखते। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बना। हाँ जी, इसको कुठार। कुठार। अच्छा, इसमें राशन पानी डाला अंदर से कट्ठों में नहीं बंद करके। फिर ये सारा मतलब सर्दियां जब बर्फ पड़ेगी। हाँ, इसमें खराब नहीं होता ना जी। खराब नहीं होगा, ये देवदार होता है। हाँ जी, देवदार। इसके लिए जो है हमारे को कई साले जो है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं खुल रहा है, रहने दो। अगर तो नहीं खुले नहीं। अच्छा, इसमें जाने का रास्ता यहीं से ऊपर से है ना, नीचे से नहीं है। नीचे से नहीं, नहीं इसमें अनाज पानी खराब होता है ना। और ये क्या क्या होता है? आटा, आटा उटा जो भी है, सारा आइटम होती है, दालें चावल वगैरह। कोदा है। क्या है ये? ये है वो कोदा, मतलब सरसों है ये? नहीं, ये कोदा। कोदा इससे क्या बनता है? ये उसमें बोलते है हिंदी में क्या बोलते है इसके लिए, चौला से दूसरे होता है इसका। अच्छा रेट बिकता है कोदे। अच्छा, की रोटी। कोदे की रोटी? हाँ जी। अच्छा, इसकी रोटी बनती है? रोटी बनती है यहाँ, मतलब हर जो घर है सब में ऐसा बना होता है, सबने ऐसा बना के रखा होता है। सबने। अच्छा, ये गेहूं है। हाँ जी, ठीक है। ये अपने होती है खेतों में? ये अपने पीते है और सरकार से। सरकार से भी जो मिलती है। अच्छा, सरकार से भी फिर छह महीने का इकट्ठा राशन मिल जाता होगा जो मतलब डिपो में मिलता है। तो अब सरकार से लाए, जैसे ये राशन लाए हमने। हाँ जी। तो अब सर्दी के लिए कोठा कर दिया हमने पूरा ही। हाँ, नहीं अपने सर्दी का कोठा, और इसके बाद और मिलेगा। अच्छा। फिर इसको जो हम पूरा करेंगे उसके बाद। उसके बाद खाते रहेंगे। चलो ठीक है जी। इसमें मतलब आप 10-20 साल रखो, ऐसा खराब नहीं होगा। खराब मतलब ही नहीं, ये जो है द्वार कोता है। अच्छा, बड़ा तभी तो ऊपर ऊपर नकली को रखा हुआ। और ये घास सारा सुखा के रखना है? सुखा के ये कमरों में रखना है। अच्छा, इसके लिए अलग कमरा बनाया होता है घास रखने के लिए? हाँ जी, अलग। जैसे लकड़ी रखी है हमने। हाँ जी हाँ जी। जब बर्फ गिरेगी उसके बाद तब निकालते रहे और इसको जलाते रहे। ठीक है। इसके बाद 9 बजे तक मैंने अपना डिनर कर लिया और उसके बाद अपने रूम में आकर सो गया। डोडरा से चेकआउट करने के बाद अब तक मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ है। डोडरा से जिस बस में मैं आया था वो रास्ते में ही ख़राब हो गई थी, तो उसमें कोई अभी तक मेरा टिकट नहीं लगा था। उसके बाद मैं कैब से आया तो उस कैब ड्राइवर ने भी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। यहाँ रहने और खाने के अभी होम स्टे के चार्जेस मैं सुबह पे करूँगा। दोस्तों, पार्ट 5 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह HRTC बस से मैं रोहडू होते हुए चंडीगढ़ जाऊँगा। वो जर्नी हम लास्ट यानी 6th पार्ट में कवर करेंगे। आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।